वैज्ञानिकों के लिए भी अबूझ पहेली बन चुका है, रहस्य बन चुका है। इसी तरह किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं यानी कि सेल्स से होता है। वैज्ञानिकों का एक समूह मानता यह है कि धरती पर पहले कोशिकाएं पैदा हुई और फिर जानलेवा वायरस आया, लेकिन वैज्ञानिकों का एक और दूसरा समूह इसे खारिज कर देता है। बैक्टीरिया जीवित जीवाणु है, ये एकल कोशिका यानी सिंगल सेल्ड होता है। वायरस के जिंदा रहने की शर्त है कि उसका संपर्क किसी जीवित जीव से हो। वो जीवित जीव इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। वायरस जिसके संपर्क में आता है उसे बीमार बनाता है। सबसे विचित्र बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि बैक्टीरिया जीवित रहता है, लेकिन वायरस जिंदा है या मृत, इसे लेकर स्पष्ट राय नहीं है। मोटे तौर पर वायरस को मृत जीवाणु माना जाता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है, लेकिन वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए कोई दवाई नहीं है। लेकिन कई वायरस से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके का आविष्कार हो चुका है। सर्दी जुकाम फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस का भी इलाज नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है। ये सिर्फ नया वायरस है, इसीलिए उसके खिलाफ हमारे किसी भी लोगों के पास उसके खिलाफ जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति बन जाती है हमारी, वो अभी बन नहीं चुकी है। कई दिनों में, साल दो साल में धीरे धीरे सब लोगों में प्रतिकार शक्ति फैलती जाएगी। जैसे वायरस भी फैलता जाएगा उस तरह से प्रतिकार शक्ति भी फैलती जाएगी, और 5-10 साल में जैसे हमें अभी स्वाइन फ्लू का हमें लग रहा है, उसी तरह से 5-10 साल में यह प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगा। आज वो नया है, इसके लिए उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन नया आने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। वायरस का बाहरी हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, उसके अंदर वायरस का डीएनए या आरएनए होता है। इस तरह वायरस अपना आनुवंशिक गुण साथ लेकर किसी व्यक्ति या जीव के शरीर में प्रवेश करता है। जीव के शरीर के अंदर घुसते ही वो कोशिकाओं को ठिकाना बनाता है और फिर तेजी से अपने गुणों के साथ फैल जाता है। जब हम जो बीमार आदमी है जिसको उसकी वायरस उसके अंदर है, अगर वो खांसी करता है तो खांसी के साथ वो जो तुषार उसके ड्रॉपलेट जो आते हैं हमारे नाक से, हमारे मुंह से, वो ड्रॉपलेट है वो अगर वो 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जा पाते उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो 2 मीटर के आसपास इर्द गिर्द अगर कोई हमारे पास आ गया जो बीमार आदमी उसके पास और उसने खांसी की, तो उसके जो विषाणु है वो दूसरे आदमी के श्वसन मार्ग पे उसके नाक पे जाती है और इस तरह से बीमारी फैलती है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा है जो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं जो मरीज होता है उसके, वो इर्द गिर्द गिर जाते हैं, और अगर जहाँ गिर गए हैं उस स्थिति को, उसका जो फर्नीचर है, कोई टेबल है, तो उसको अगर दूसरे आदमी का हाथ लग गया तो उसके हाथ को लग जाते हैं, और वो हाथ अगर उसके नाक के यहाँ गया तो उसको नाक में अंदर जाते और इस तरह से वो फैलता है। बैक्टीरिया के मुकाबले वायरस 10 गुना ताकतवर होता है। बैक्टीरिया और वायरस के बीच 36 का रिश्ता है। बैक्टीरिया को वायरस जिंदा नहीं रहने देता। जो हमारा श्वसन मार्ग होता है उसमें वो फैलता है, उसमें उसकी आबादी बढ़ती है, और अंत में उसको निमोनिया हो सकता है। एक तो शरीर उसके खिलाफ लड़ाई देता है, और इसलिए बहुत सारे लोग जो है 95% लोग, 98% लोग आज ना कल 2 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इस वायरस को शरीर ही मार डालता है। लेकिन जिनके पास इतनी प्रतिकार शक्ति नहीं, जैसे बूढ़े लोग हैं या किसी को कोई बीमारी पहले से, किसी को दमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, उनमें उनकी प्रतिकार शक्ति कम पड़ती है, और वो उसको उसका जो पहले से वो थोड़े बीमार होते हैं, कमजोरी होती है, वो कमजोरी कमजोर आदमियों पे यह अटैक करता है, लेकिन बच्चों पे नहीं होता। अटैक होता है लेकिन बच्चों में कोई भी मरने की संभावना बहुत बहुत कम है। दुनिया में एंटीबायोटिक के आविष्कार के बाद बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी पर नियंत्रण हो गया,
लेकिन वायरस से होने वाली बीमारी का आज भी कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस जैसी वायरल बीमारी के टीके का आविष्कार हो चुका है जो इंसान को बीमारी के संक्रमण से बचाता है। कोरोना यानी COVID-19 एक वायरल बीमारी है, ये अब तक लाइलाज है। अब तक इसके टीके का आविष्कार नहीं हुआ है, हालांकि दावे कई हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल सहित दुनिया के 5 देशों में टीके पर काम चल रहा है। ये टीका बाजार में कब तक आएगा, आम लोगों तक ये कैसे पहुंच पाएगा, कब तक पहुंच पाएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसी सूरत में डॉक्टर सलाह देते हैं कि सावधानी ही कोरोना से सुरक्षा का पुख्ता उपचार या फिर उपाय है। वैज्ञानिकों के लिए ये किसी फंतासी से कम नहीं है कि आखिर वायरस कैसे पैदा होते हैं और कहां से इन हवाओं में, इस भीड़ में, इस मॉल में, इन सोसाइटियों में, इस दीवाले में, इस अस्पताल में पैदा हो जाते हैं। तमाम रिसर्च और संकल्पनाओं के बावजूद आज तक वैज्ञानिकों के लिए वायरस की उत्पत्ति एक पहेली है। वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इंसानों में, जानवरों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे कि बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। इनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रखा गया है। और नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि ये खुद अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है, और वहां जाके ये अपना बहुत सारे कॉपीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और डिजीज करते हैं इंसानों में। वायरस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है विष। वायरस बहुत छोटा, आंखों से नजर ना आने वाला विषाणु है जो बीमारियां फैलाता है। ये बैक्टीरिया से लगभग 1000 गुना छोटा होता है और किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है। वायरस की खोज का श्रेय रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की को जाता है, जिन्होंने 1892 में पता लगाया कि मोजैक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस में बीमारी फैलाने वाले कण मौजूद होते हैं। लेकिन वायरस नामकरण का श्रेय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस को है। 1898 में मार्टिनस ने पहली बार वायरस नामकरण किया और इसके साथ वायरस का अध्ययन करने वाला विज्ञान यानी वायरोलॉजी की शुरुआत हुई। वायरस की खोज के करीब 130 साल के इतिहास में इसके खात्मे का कोई फलसफा नहीं हासिल हुआ है। इतिहास के अलग अलग समय पर अलग अलग वायरस ने इंसानों का संहार किया है। इस कड़ी में कोरोना यानी COVID-19 आतंक का नया नाम है। कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है और खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, और जो ट्रांसमिशन है इसका वो अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, और इससे थोड़ा डरने की जरूरत है क्योंकि कहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या फिर जो इन्फेक्टेड जगह है या कोई चीज है उसको छूने से, ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। और एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, 10 साल से छोटे बच्चे हैं और 60 साल से ज्यादा बड़े लोग हैं, उनमें इस इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा है और ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीनी शोधकर्ताओं ने नया खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंस का विश्लेषण कर बताया कि कोरोना वायरस प्रकृति में हुए बदलाव के कारण पैदा हुआ है। इसे लैब में विकसित नहीं किया गया है। नए शोध के मुताबिक वायरस के बाहरी आवरण में मौजूद प्रोटीन दूसरे वायरस की तुलना में बहुत शक्तिशाली है, जिस कारण से ये त्वचा को भेद देता है और फिर कोशिकाओं को टारगेट करता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोरोना के संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत है। जहां कहीं भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो, वहां से दूरी बनाने की जरूरत है। ये वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी है। कोरोना के कारण मृत लोगों में सबसे अधिक संख्या बुजुर्ग लोगों की है।
ये सभी लोगों को ये बीमारी होती है, लेकिन वो लोग जिनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको हार्ट फेलियर है या डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या अस्थमा अनकंट्रोल्ड है या फिर उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, वो लोग ऑक्सीजन की कमी सहन नहीं कर सकते। उनको कोई भी निमोनिया हो जाए तो वो उसका मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। ये लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनके साथ में कोई और कंडीशन है, जब निमोनिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये 3 हफ्ते तक ऑक्सीजन की कमी को झेल नहीं सकते और इनकी मौत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है 15%, 70 से ज्यादा है तो 8%, 60 से ज्यादा है तो 3%। ऐसे बेशक कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ये ऐसा डरावना नहीं कि लोग खौफ में आ जाए। कोरोना के कारण मृत्यु दर 2 से 2.5% है, यानी 100 संक्रमित लोगों में 2 या 3 की ही मौत हो रही है। ऐसा दूसरी बीमारियों में भी होता है अगर शुरुआती लापरवाही न की जाए। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और उसे फॉलो करें। कोरोना की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी माना गया है, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर संभव हो तो लोगों से 6 फीट की दूरी रखें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। कोरोना का जीवन चक्र 2 से लेकर 14 दिनों का होता है। सामान्यतः 14 दिनों बाद कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अब संक्रमण में आने के पहले और दूसरे दिन तक मरीजों को पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन 4वें-5वें दिन से बीमारी गंभीर होने लगती है, उसके लक्षण नजर आने लगते हैं और हर गुजरते दिन के साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, थकान और उल्टी दस्त की समस्या बढ़ने लगती है। लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। भारत में भी कई मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है और जीत भी हासिल की है। इसीलिए न्यूज 24 लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि डरिए मत, बस अपना ख्याल रखिए, खुद को आइसोलेट करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। रहस्य के अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ न्यूज 24। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अपने बाद फैमिली के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ पॉलिसीबाजार.com से। महंगा नहीं है पॉलिसीबाजार.com।